जय हिंद। मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों के लिए बिहार बोर्ड से एक बड़ी अपडेट सामने आया है। अब मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी ना तो अपने साथ वाइटनर लेकर जा सकते हैं, ना ही ब्लेड लेकर जा सकते हैं और ना ही जेल पेन लेकर जा सकते हैं। कहाँ? परीक्षा हॉल में। अगर लेकर जाते भी हैं तो अगर OMR सीट जो मिलती है, आंसर सीट, उस पर इसका प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो आपकी कॉपी नहीं जांची जाएगी। यह है बिहार बोर्ड का खास अपडेट। पूरी अपडेट को हम बताएंगे। फिलहाल मैं अपना परिचय औपचारिक रूप से दे दूं। मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप इस समय देख रहे हैं। अगर आप मैट्रिक इंटर के अगर परीक्षार्थी हैं 2021 में, आपको अगर परीक्षा देनी है या आपके घर परिवार में कोई वैसे छात्र छात्राएं हैं जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देना है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अन्य लोगों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस समय बिहार बोर्ड के द्वारा एक खास अपडेट जारी किया गया है। वैसे विद्यार्थियों के लिए अपडेट जारी किया गया है जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में 2021 में शामिल होना चाहते हैं। बिहार बोर्ड का कहना है कि इस बार परीक्षा में अगर कोई भी परीक्षार्थी OMR सीट पर वाइटनर लगाता है, चाहे रोल नंबर भरना हो, रोल कोड भरना हो, या इंटर आंसर सीट में ABCD किसी चीज को अगर भरने के बाद उसको अगर कट करना हो, व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं, ब्लेड से लगड़ देते हैं, या फिर जेल पेन का प्रयोग करते हैं, वैसे परीक्षार्थियों के जो OMR सीट होगा, आंसर सीट होगा, वैसे परीक्षार्थियों का आंसर सीट OMR सीट की जांच नहीं हो पाएगी। कारण स्पष्ट किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा कि OMR सीट पर चाहे ब्लेड लग जाता हो या जेल पेन से आप प्रयोग करते हैं या व्हाइटनर लगा देते हैं, इस परिस्थिति में उस सीट को, OMR सीट को कंप्यूटर नहीं उठा पाता है। इस स्थिति में जो है कैसे उनकी कॉपी जांच होगी? पहले किसी तरह से जांच करवा लिया जाता था, लेकिन अब बिहार बोर्ड इस रिस्क को कवर नहीं करना चाहती है। तो आप सतर्क रहें। अगर आपकी कॉपी में किसी प्रकार से त्रुटि ना हो, इसके लिए पहले से सतर्क रहें, काफ़ी प्रैक्टिस उस पर कर लें। प्रैक्टिस करवाया भी जाता है, मैं बता दूं कि स्कूल स्तर पर उसको प्रैक्टिस भी करवाया जाता है, बच्चे घर पर भी प्रैक्टिस करते हैं। नहीं किए हैं तो कर लीजिए प्रैक्टिस। OMR सीट भरने का रोल नंबर कहाँ पर भरा जाएगा, रोल कोड कहाँ पर भरा जाएगा, इंटर का जो आपका परीक्षा केंद्र है उसका नाम कहाँ लिखा जाएगा, आपकी हस्ताक्षर कहाँ होगी, विच्छक का हस्ताक्षर कहाँ होगा, कहाँ पुस्तिका का नंबर भरना है, तमाम चीज़ों को आप देख लें। ABCD चार ऑप्शन होते हैं, सोच कर ही, समझ कर ही उस पर ABCD जो भी हो उस चारों ऑप्शन में आप एक ऑप्शन को भरे कि फिर दोबारा उस पर हमको कटिंग करने की आवश्यकता नहीं हो। अगर यह स्थिति बनती है तो अगर आप वाइटनर लगाते हैं या फिर ब्लेड का प्रयोग करते हैं या जेल पेन का प्रयोग करते हैं, जेल पेन आखिर हमको समझ में आ रहा है कि जेल पेन के लिए इसलिए रोक लगाया जा सक रहा है कि जेल पेन से लिखने के बाद जेल पेन थोड़ा सा वो बिखरता भी है, पसर जाता है, और दूसरा बात होता है कि जो पेपर होता है उसका असर जेल पेन का इस तरफ से उस तरफ भी हो जाता है, तो उस स्थिति में हो सकता हो कि उसमें दिक्कत आता हो या कोई और बात हो, केमिकल वगैरह की बात हो, तो जेल पेन नहीं बॉल पेन की बात की जा रही है कि बॉल पेन का ही प्रयोग करें, चाहे वह ब्लू पेन हो या काले ब्लैक हो।
जो भी पेन हो लेकिन बॉल पेन के प्रयोग करने के लिए कहा गया है। व्हाइटनर तो ऐसे भी परीक्षा हॉल में ले जाने के लिए मना रहता है, लेकिन किसी प्रकार से गलती होने के बाद में वह व्हाइटनर का प्रयोग कर देते हैं, या फिर ब्लेड लेकर जाते हैं, ब्लेड से लगड़ देते हैं, नाखून से लगड़ देते हैं, वो काम अब इस बार नहीं करना है। तो मैट्रिक और इंटर के अगर आप परीक्षार्थी हैं तो बखूबी आप समझ लीजिए कि अब आपको इन चीज़ों का, इन तीनों चीज़ों का, या कोई भी सत्संग के कार्य करते हैं वहाँ पर अपने एंसर शीट में, तो उसको ना करें। बॉल पेन का प्रयोग करें, ब्लेड ना ले जाएं, व्हाइटनर ना ले जाएं, सतर्कता से रोल नंबर रोल कोड भरें। मुख्य चीज़ होता है रोल नंबर और रोल कोड, उसको आप सतर्कता से भर दें और एंसर शीट में, ओएमआर शीट में काफ़ी सतर्कता से समझने के बाद ही उसको आप रंगीन करें। जब हम सतर्कता बरतेंगे तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि त्रुटि नहीं होगा। अगर होता भी है, चलिए एक दो गलतियां हो जाती है एंसर शीट भरने में, ऑप्शन भरने में, तो आप उसे छोड़ दें, क्योंकि अगर उसके फेर में रहिएगा तो आपकी पूरी कॉपी ही नहीं जांची जाएगी। चलिए, यह खास अपडेट आप तमाम विद्यार्थियों के लिए था। तो मैं विद्यार्थियों के लिए हर तरह की खबर, परीक्षा से जुड़ी हुई खबर लेकर आपके बीच आता रहूँगा, तो आप मेरे साथ बने रहें। और कुछ और भी परीक्षार्थी जो हमेशा कमेंट में लिखते रहते हैं कि कुछ खास पेपर के संबंध में भी चर्चा करें, तो कुछ खास शिक्षकों से भी हम आपको मिलाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। इंग्लिश के टीचर हो, हिंदी के टीचर हो, जो भी हो, विज्ञान के शिक्षक हो, मैथ के शिक्षक हो, किस कैटेगरिया का क्वेश्चन आता है और इस बार क्या ख्याल है, इन तमाम चीज़ों को हम लेकर बहुत जल्द आपके बीच आने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। हमें आप इंस्टाग्राम और डेली हंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।